हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट हम पिछली बार वीडियो में कर चुके हैं। अब हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट इसमें करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा, इसको यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन टू का थर्ड तक हो गया था, तो ये फोर्थ पार्ट हम यहां पर फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें सम ऑफ जीरोज है वन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे पहले वाले बताया था हमने। क्या करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम कितना है वन, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। अब इसको देखें, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, वन। इसको हम वन को वन अपॉन वन भी लिख सकते हैं, इससे की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा वन है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सो दैट इंप्लाइज सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये भी हो गया वन अपॉन वन, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ए बी सी तीनों के, देखो ए इज इक्वल टू वन यहां पे भी है और ए इज इक्वल टू वन यहां पे भी है, तो ये हमें डिनोमिनेटर को ध्यान में रखना है। तो ए इज इक्वल टू कितना है वन, बी इज इक्वल टू कितना है माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वन। तो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कैसा बनेगा, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसी फॉर्म में लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है इसमें वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है माइनस वन, तो माइनस वन लिख देते हैं, और एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी, सी इज इक्वल टू कितना है वन। तो इसको हम देखें एक्स बन रहा है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 एक्स और प्लस वन, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसको मिटा दें पहले, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट, सो यहां पे फिफ्थ पार्ट कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस वन अपॉन फोर, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वन अपॉन फोर, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है वन अपॉन फोर। तो अब इसका क्या होगा, अल्फा दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर। इसी तरह अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होता है, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहां पे लिख लेंगे सी अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। तो अब यहां देखें ए वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू लिख लें, ए इज इक्वल टू, चूंकि ये दोनों फोर फोर बराबर है, तो ए इज इक्वल टू फोर बी, अब माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा वन हो जाएगा, माइनस माइनस टेंस, तो बी इज इक्वल टू वन, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। तो अब यहां पे क्या करेंगे, वही लिखेंगे, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलीनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के में, तो ए कितना है हमारा फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा वन, वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी कितना है वन, तो प्लस वन। अब इसको कर ले तो फोर एक्स स्क्वायर हो गया ये, और यहां पे क्या आ गया एक्स बन रहा है एक्स, तो प्लस एक्स और प्लस वन, तो ये इसका आंसर हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसका लास्ट पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट को करते हैं।
तो सिक्स्थ पार्ट को सिक्स्थ पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे हम यहां पे लिख देते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या क्या है, एक तो है फोर और एक है सम, क्या है ना फोर और प्रोडक्ट कितना है वन, सम ऑफ जीरोस फोर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन। तो हम क्या करेंगे वही सेम बिल्कुल करना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है फोर, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमें फोर दिया हुआ है और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू वन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें वही अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सो दैट इंप्लाइज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी है फोर। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम वन मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। इसी तरह इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, सो दैट इंप्लाइज सी अपॉन ए इज इक्वल टू वन और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर मान लिया हमने वन। तो अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी ए इज इक्वल टू वन दोनों जगह से, तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू फोर, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर और सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन। तो अब हम इसका वैल्यू रखते हैं इसमें, तो इसमें वैल्यू रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम वन, तो ये हो जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू है माइनस फोर, सो माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी इज इक्वल टू है वन। इसको हम एक्स स्क्वायर वन द एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 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 फोर एक्स और प्लस वन। तो ये हमारा पूरा सेकंड का सिक्स तक सिक्स पार्ट्स पूरे हो गए।